ए एंड बी हाँ सर, है, ठीक है बेटा, हैव सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोस, ए एंड बी हैव सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोस, ए सेज टू बी, इफ गिव 30 ऑफ योर मैंगोस आई विल हैव ट्वाइस एज मैनी एज लेफ्ट विद यू, आई विल हैव ट्वाइस एज मैनी एज लेफ्ट विद यू. बी रिप्लस, बी रिप्लस, इफ यू गिव मी 10, if you give me 10, I will have 2 में, अच्छा, I will have thrice as many left with you, thrice as many left with you. How many mangoes does he have? How many mangoes does each have? कितने मैंगोज हैं दोनों के पास, हमें ये निकालना है. अब बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट होता है बेटा इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने का. अब सपोज आपने बोला कि सर एमसीक्यू में आया, तो सोल्व ही नहीं करना. क्या नहीं करना? सॉल्व ही नहीं करना. क्या करना है फिर? ऑप्शन से करना. फिर आप बोलोगे सर ऑप्शन से कैसे पता लगेगा? अभी बताता हूँ ऑप्शन से कैसे पता लगेगा. पहले मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, फिर ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं वो आपको बताया जाएगा. और आप ये देखिए 99% केस में आपकी वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी आएगी वो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है. 99% बोल रहा हूँ, आपको ऑप्शन से ही पता लग जाएगा कि इसका आंसर ये है. फिर किसी ने बोला सर मुझे तो आता, मैं तो सोल्व करूंगी या करूंगा, कर टाइम वेस्ट होगा. आपको तो आंसर से मतलब है ना, आपको क्या मतलब है कि भाई आपका सोल्व कैसे हो रहा है? हमें तो आंसर से मतलब है. अभी इस वाले केस में भी बताऊंगा कि क्या आंसर होगा, कैसे चेक किया जाता है. तो अभी तो पहले मैं सोल्व करके बता रहा हूँ आपको. लेट नंबर ऑफ मैंगोज विद ए, नंबर ऑफ मैंगोज विद ए इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ मैंगोज विद बी इक्वल टू वाई, नंबर ऑफ मैंगोज विद ए एक्स और नंबर ऑफ मैंगोज विद बी वाई. अब किसने बोला? ए ने बोला. क्या बोला ए ने? जैसे मैंने बोला या तो साली ने बोला मुझसे कि आप, आपके पास से जितने मैंगो, कितने मैंगो देने के लिए बोल रहा है? 30. तो सोसाली ने बोला कि मैं मेरे 30 मैंगो दे दूं, मैं वो ए है और मैं बी हूं, तो मेरे पास अभी वाई है, मैंने वाई में से कितने दे दिए? तो बेटा मेरे पास कितने बचे हैं? अच्छा ए के पास कितने हो गए? एक्स प्लस 30. ब्रेकेट लगा लो ताकि कोई गड़बड़ नहीं कर सके. तुम ब्रेकेट जरूर लगा लो. ये किसके पास रह गए? बी के पास. ये किसके पास हो गए? अब ये बोल रहा है कि मेरे पास जो मैंगो है तुमसे कितना है? ट्वाइस. तो इसका ट्वाइस करके इक्वल कर दो भाई. इसका जैसे ट्वाइस करोगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल. अब स्टूडेंट क्या बोलता है कि स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन होता है. स्टूडेंट बोलता है कि सर ये इसका डबल है तो यहाँ करो ना. नहीं बेटा एक मिनट, मेरे पास डबल है तुम्हारे से तो बेटा तुम्हारे वाले मैंगो को डबल करूंगा तब जाके हम दोनों इक्वल आएंगे. तो डबल तुम्हारे वाले को तभी तो हम दोनों इक्वल आएंगे, नहीं तो कैसे इक्वल आएंगे? नहीं आए समझ में?
बी के पास है वाई माइनस थर्टी, ए के पास है एक्स प्लस थर्टी। अब वो बोल रहा है कि मेरे पास तुम्हारे से डबल है, तो बेटा तुम्हारे वाले मैंगो को डबल करूंगा तब जाके हम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए मैंने इसको ट्वाइस किया। ऑनलाइन सभी को क्लियर है ये जो बताया? यस सर। यस पक्का। तो ये देखो एक्स प्लस थर्टी इक्वल टू टू वाई माइनस सिक्सटी, तो एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस नाइनटी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है लिख लीजिए बेटा, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस नाइनटी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट कि बी ने क्या रिप्लाई किया भाई, भाई बी ने क्या रिप्लाई किया कि तुम मेरे को कितने दे दो 10, तो मतलब बी के पास हो गया y प्लस 10, ब्रैकेट जरूर लगा देना, और इसके पास हो गया x माइनस 10। अरे पिछला जो हुआ है उसको भूल जाओ, उसको कोई लेना देना नहीं, अब नया केस है। बी ने बोला कि यदि तुम मेरे को 10 दे देते हो तो बी के पास कितना हो गया, ए के पास कितना रह गया। अब बी के पास ए का कितना है, तो बेटा ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर, 3x minus y equal to 4। बोल बोल कंफ्यूजन बोल, क्लियर है? अब सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बेटा 15 मिनट चला लो क्या, बहुत गर्मी हो गई, तेरे को ठंड लग रही तो तू यहां से वो कट ले। तू काहे के लिए कट ले? अब देखो भाई मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाला तो ठीक है, सेकंड वाले को मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सेकंड वाले को टू से मल्टीप्लाई करो, यहां तक कोई दिक्कत? अब सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, माइनस 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 प्लस माइनस, माइनस फाइव एक्स ये कैंसिल हो गया, माइनस 172। बोलो x का वैल्यू कितना, 34। इसका मतलब a के पास कितने मैंगोज है, 34। चलिए अब a के पास 34 मैंगोज आ गए, इसी में रख दीजिए, पुट x इक्वल टू 34 इन इक्वेशन टू कर देता हूं, 3 इंटू 34 इंटू 2 102, तो y के पास कितना आ गया, 62। अब देखें ऑप्शंस, अब बेटा ये तो मैंने सोल्व करके बता दिया ऑप्शंस क्या हो गए, जैसे आपसे बोल दिया 40 60, फिर बोल दिया 50 70, फिर बोल दिया आपका जो आंसर जो है 34 62, फिर d बोल दिया आपका 30 और 50। अब हमें चेक करना है कि भाई आंसर क्या है। अब ए ने क्या बोला था बी से, यदि तुम मुझे कितना दे दो 30, तो इसको 30 दिया तो कितना हो गया 70, और इसको 30 ले लिया तो कितना बचा, क्या ये इसका डबल है क्या, ऐसे चेक कर, इसने इसको 30 दिया कितना हो गया बेटा, और इसको इसने 30 दिया 40, 40 आ रहा है, ये इसका डबल है क्या,
डबल है तो सही, चलो कोई बात नहीं डबल आ गया। अच्छा इसको चेक करते हैं, कोई बात नहीं, इसने इसको 30 दिया, कितना हुआ 64, तो इसने इसका 30 दिया तो कितना बचा, ये भी डबल आ रहा, ठीक है। अब ये डबल नहीं आएगा, छोड़ दो, तो इन दोनों में से एक आंसर है, दूसरा केस तो सोचा ही नहीं। भाई ने क्या बोला, यदि तुम मुझे तेरा 10 दे दो, इसको 10 दो 80, तो इसके बाद कितना रह गया, अभी भी डबल ही है, जबकि वो क्या बोल रहा है ट्रिपल। अब इसने बोला इसको 10 दो, बोलो ये क्या था, इसको 10 दो, बोलो कितना पार्ट है, इसलिए आंसर। अब इतना तो चेक करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट कर रहे हो तो यार, इतना सोल्व करने की जगह आप डायरेक्ट कर रहे हो तो इतना तो चेक करोगे आप। आया ये पक्का आंसर वाला बता दूं, चलो ये पहले ये आंसर लिख लिया आपने सबने पूरे में, पहले लिखो लिखो जल्दी, जागते रहो। अरे यार अब आज सेट हो ही नहीं रहा था तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं तो पहले ही रखता हूँ ना मेरी क्लास, अब आज सेट हो ही नहीं रहा था तो फिर मेरे को मेरी क्लास से बहुत सारी उथल पुथल करनी पड़ी थी, नहीं तो मेरा तो बिल्कुल सेट रहता हमेशा। 4 से 5 तुम्हारे में लेनी है, 5 से 6 नाइन्थ में लेनी है, और फिर 6 से 7 CA फाउंडेशन में लेनी है, ये मेरा फिक्स रहता हमेशा। है सबका बिगड़ गया आज का सेट, क्या करें वो, अब कल से सही रहेगा वो, आज आज की बात। अब बेटा 6 से 7 के लिए जिसकी, यदि तुम्हारी सोशल साइंस की क्लास होती है तो इंग्लिश की या सोशल साइंस की क्लास होती है, इंग्लिश की होती है रूपल, पलक, मनस्विता, मनस्वी और तनुश्री, ये चारों मेरे पास बैठे हैं, तो मतलब कुल मिला के आपको 4 से 7 के लिए आना है सभी, कोई किसी के लिए कोई वो नहीं, 4 से 7 के लिए आना है सभी, ठीक है। यदि क्लास नहीं होगी तो मेरे पास बैठोगे और वहाँ बैठ के सोल्व करो, चाहे तुम, अब देखो मेरा लॉजिक ये है कि तुम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर रहे हो, करते रहो, घर पे जाके तो वो भी नहीं करोगे, सही कह रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ पर करोगे तो कुछ तो करोगे, क्यों बोलो, सही है ना। देखो नेक्स्ट, हाँ ये बोल रहे थे भाई, पहला 50 और 70 पे चेक करते, देखो ये ऑप्शन था, सपोज ए ने बी से क्या बोला, यदि तुम मुझे 30 दे देते हो, 30 दो भाई तो मेरे पास तुमसे डबल हो जाएगा, बिल्कुल सही बोला, तो ये तो सही आ रहा, तो देखते ये नहीं कि अरे यार यही आंसर है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। फिर बी ने क्या बोला, यदि तुम मुझे 10 दे देते हो तो मेरे पास ट्रिपल हो जाएंगे, तो ट्रिपल हो रहेगी, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं। फिर दूसरा आंसर क्या था, 34 और 62, इसने क्या बोला, तुम मुझे 30 दे देते हो तो मेरे पास तुमसे डबल हो जाएंगे, फिर इसने क्या बोला, यदि तुम मुझे 10 दे देते हो तो मेरे पास तुमसे ट्रिपल हो जाएंगे, इसलिए आंसर ये आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज for the first three days and an additional charge for each day
एयर आफ्टर, सरिता पेड रुपीज 27 फॉर ए बुक kept for 7 days. Five, Sara paid rupees 21 for the book kept for 5 days. Find the fixed charge. Suppose ये पूछा हो, second charge for extra day, extra day. Suppose मैं इसके options की बात करता हूँ. A 10 rupees, 15 rupees, 20 रुपीस, 20 तो होगा ही नहीं, 18 रुपीस, इसका 1 रुपीस, 2 रुपीस, 3 रुपीस, 4 रुपीस. अब देखिए कैसे करेंगे. सपोज आपको सोल्व नहीं करना, हमें तो ऑप्शन से आंसर नहीं करना. सपोज 10 रुपए फिक्स चार्ज, फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा शुरू के 3 दिन के 10 रुपए फिक्स चार्ज हो गए, तो बचे कितने रुपए? अरे 27 में से 10 हटाओ, 17. कितने दिन के बचे? 4 दिन के. अरे 3 दिन के तो बेटा 10 रुपए हैं, तो बाकी 4 दिन के कितने बचे? 17 रुपीस. 17 रुपीस 4 दिन के. बेटा पॉइंट में आ रहा, अजीब सा आ रहा है, ऐसा तो आंसर कभी नहीं आया, क्योंकि ऐसा ऑप्शन तो यहाँ पर भी नहीं गिवन है. अरे पॉइंट में थोड़ी गिवन है कि 3.3333 आपका आंसर आ रहा, नहीं आ रहा ना. इसका मतलब 10 रुपए इसका आंसर फिक्स चार्ज नहीं. समझो पहले, ये समझ में आया? सब 15 रुपए फिक्स चार्ज है, 27 में से 15 हटाओ, 12. अब कितने बचे 4 दिन के? 1 दिन का कितना आया? 3 रुपए. चलो निकाल लिया आपने 1 दिन का 3 रुपए. अब उधर देखो दूसरे वाले में, शुरू के 3 दिन के 15 रुपए, बचे कितने दिन है? 2 दिन बचे. 3 दिन के तो हो गए, कितने दिन बचे? और 1 दिन का कितना है? कितना आ रहा है? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब आंसर सर नहीं आया. अरे नहीं आया, मैं सिर्फ ऑप्शन से देखना बता रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ. पहला ऑप्शन 10 रुपए, आपने 7 दिन के 27 रुपए दिए. बेटा सुनते जाना तीनों ऑनलाइन, 7 दिन के कितने रुपए दिए? 27. तो शुरू के 3 दिन के आपने सबको 10 रुपए दिए, तो बाकी 4 दिन के कितने बचे? 17 रुपए. तो 4 दिन के 17 रुपए जा ही नहीं रहा, डिवाइड ही नहीं हो रहा, छोड़ दो. अब सपोज सेकेंड ऑप्शन 15 रुपए, सपोज आपने 3 दिन के 15 रुपए दिए, तो बाकी 4 दिन के कितने दिए? अरे 27 रुपए दिए बेटा, 12 रुपए. तो 1 दिन के कितने दिए? 3 रुपए दिए. यहाँ तक 1 रुपए के, 1 दिन के 3 रुपए दिए. अब सपोज हमें चेक करना है ये सही है कि नहीं, उसने 5 दिन के कितने दिए? तो शुरू के 3 दिन के तो कितने दिए? और अभी बोला ना 15 रुपए दिए शुरू के 3 दिन के, तो शुरू के 3 दिन के 15 रुपए, तो बाकी 2 दिन के कितने देगा वो? सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी भी नहीं समझ में. किसको नहीं आया? अरे बेटा आपने 2 शुरू के 3 दिन के कितने रुपए दिए हैं? मैं बी ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, शुरू के 3 दिन के कितने दिए हैं? 15 रुपीज. तो 21 रुपए में से 15 रुपए हटाओ, 6 रुपए. तो बाकी कितने दिन के बचे आप? तो 1 दिन का कितना दिया? और पहले वाले केस में भी 1 दिन के कितना आ रहे थे? तो दोनों में सेम आते रहे बेटा, इसका मतलब यही आंसर है.
आ गया। अब मेथड देखो, यस लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज एक्स, चार्ज फॉर ईच डे इक्वल टू रुपीज वाई। पहली क्वेश्चन, एक्स प्लस कितने दिन बचे? अरे 7 दिन में से कितने दिन बचे? 4y इक्वल टू 20। आया नहीं आया? अरे लड़की शुरू के 3 दिन के रुपीज एक्स रुपीज लगेंगे बस, तो 3 दिन के चाहे कितने आने आपका, तो बच्चे कितने दिन? 7 में से 4 दिन, तो 4 दिन के 1 दिन का वाई रुपीज है, तो 4 दिन के कितना हो गए? 4y। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी भाई? 3 दिन के तो x, बाकी कितने दिन बचे? 2 दिन, तो क्या बनेगा? आ गया, सब्ट्रैक्ट करो। इसका मतलब पर डे चार्ज कितना रुपया है? 3 रुपए। और फिक्स चार्ज तो बोले मेथड ही बढ़िया है, लेकिन हर बार ऐसे थोड़ी होगा कि मेथड बढ़िया आएगा। फिक्स चार्ज 15 रुपए और पर डे का चार्ज 3 रुपए। आ गया? नहीं आ रहा किसी को समझ में तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? ऑनलाइन कंगना अभी बोले? यस यस सर, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। एको करते हैं इसी टाइप का प्रॉब्लम। किसने पूछा कि ऑनलाइन किसने बोला था ना एक्सप्रेस 4y, तेने बोला था ना, कैसा आया? अच्छा है, क्या ले एक्सप्रेस 4y इक्वल टू 27। 4 × 3 बेटा, 4 × 3। अरे ये ले यार, अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम। रेलवे हाफ टिकट को हाफ द फुल फेयर एंड रिजर्वेशन चार्ज on half ticket as well as on full ticket. Get is same
ऑन फुल टिकट क्या वो आईडी चल कहाँ किया था ये किया था इसी जगह में किया था अरे ऑनलाइन क्लास चल रही थी जब हाँ यस सर वन रिजर्व अरे बस फर्स्ट क्लास टिकट कोस्ट फीस 16 and one full and one half reserve ticket cost rupees 320 is the first class to fare what is the registration charge मैं बोल देता हूँ कि बॉडी को तुम कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन लिखो और आंसर ऑप्शन तुम क्या यस सर तेरे घर में जा इतनी बड़ी उपाधि दी है अरे लिखेगी भाई आगे लेट फर्स्ट क्लास टू फेयर rupees 16 and reservation charge for one ticket for one ticket equal to rupees 1 अब फेयरों का केस क्या है जब फेयरों का है पूरा टिकट का चार्ज कितना है एक जने का पूरे टिकट का चार्ज कितना है मतलब एक्स प्लस वन कोई दिक्कत बोलो कोई दिक्कत नहीं एक टिकट है एक तो फुल फेयर है और एक रिजर्वेशन चार्ज अब दूसरे वाले केस में क्या बोल रहा एक तो फुल फेयर ये लो फुल फेयर का तो ये लो रिजर्वेशन चार्ज और आधा फेयर हो रहा आधे बच्चे का टिकट जैसे बच्चे का टिकट तो जो टिकट है उसका तो आधा लगेगा लेकिन रिजर्वेशन चार्ज पूरा अरे सपोज मेरे साथ मेरा बेटा जो तो मेरे बेटे का आधा टिकट लगेगा तो मेरा तो लगेगा एक्सप्रेस वन मेरे बेटे का क्या लगेगा जो मेरा टिकट है जो फुल टिकट उसका तो आधा लगेगा मतलब 1/2x लेकिन रिजर्वेशन चार्ज पूरा तो उसको भी सीट मिली तो 1/2x प्लस ये समझ में आया किसी को दिक्कत है ऑनलाइन नो सर अरे 1/2x + y समझ में आया यस सर
हाँ सर तो बेटा वन फुल ये रहा और वन हाफ फुल एक तो पूरा मतलब मेरा और एक आधा मतलब तेरे बेटे तो वन किसके लिए मेरे लिए किसमें प्लस वाई कर क्या लिख रहा है बेटा मजाक मत करो नहीं तो मैं भगा दूंगा सब कुछ सही बता रहा हूँ चीजों को सीरियसली ले लो मजाक चल रही है क्या यहाँ क्लास में हाँ बोलो भाई लिखा हुआ है ना साफ साफ रिजर्वेशन चार्ज जो है बड़े का भी उतना ही लगेगा जितना छोटे का लगेगा आधे टिकट का भी पूरा ही लगेगा रिजर्वेशन चार्ज तो दोनों का सेम ही लगेगा भाई भाई जो आपका टिकट है मेरा जो टिकट है वो आधा लगेगा लेकिन रिजर्वेशन चार्ज तो पूरा ही लगेगा तो इसका मतलब मेरा जैसे कोटा से जयपुर का चार्ज है सब 80 रुपये तो मेरा जर्नी का चार्ज है लेकिन रिजर्वेशन चार्ज मेरा सपोज 60 है तो मेरा लगा 140 लेकिन मेरे बेटे का 80 का आधा लगेगा लेकिन 60 तो लगेगा 80 का आधा लगेगा वो चार्ज का आधा होगा लेकिन रिजर्वेशन चार्ज तो पूरा ही लगेगा तो ये मेरा x प्लस वाई और ये हाफ x प्लस वाई कितने किसके इक्वल आया C17 सर 320 x प्लस हाफ x करो अरे सोल्व करो x प्लस हाफ x कितना आया 1.5x अरे भैया मैं तेरे तो तेरी मैथमेटिक्स का तो मैं बहुत बड़ा वो करूं x प्लस हाफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये कौन सी दुनिया में जी रहा है मजाक समझ रखा है कि ये क्या मैथमेटिक्स है तुम्हारी बिना सोचे समझे करके बता अभी करके बता अभी x प्लस हाफ एक्स करके बता अभी तुम्हें x प्लस हाफ एक्स करना नहीं आएगा तो क्या करोगे तुम सब करके बताएंगे अभी देखते हैं कितने जने नहीं बता पा रहे हैं सर 3x by 2 क्यों बीच में प्लस नहीं है क्या कल जब कितना आया ठीक है ये आवाज़ तुम लोगों की जिसमें चकर 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 बोलते रहोगे पूरे दिन भर तेरे से हाँ x प्लस हाफ x करना नहीं आ रहा तेरे को गलत है वो भी गलत है जो तूने लिखा है पानी में डूब के मर जाओ सही बताऊं ना मैं इतना ये तुम्हारी ये करा था ना कितना पर कितना आया 2x लिख 2x प्लस x 2x प्लस x कितना होता है 2x प्लस x लिख 3x बाय 2 अब क्या हुआ क्या करूं मैं इस पे डांटू नहीं तो क्या करूं तुम्हें
3x by 2 plus 2y equal to 327, second equation. अब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर और एक काम करो बेटा, ये अपॉन में 2 आ रहा है, ये अपॉन में 2 हटा दो, तो क्या कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लाई बाय 2 करो भाई, मल्टीप्लाई बाय 2। शैलेंद्र पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करके बताओ। हाँ सिक्स फाइव फोर, ये अब हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यदि मुझे इसको सोल्व करना है तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट भाई या तो 3 से कर लो या किससे करें भाई, 4 से कर लो। चलो 4x प्लस 4y 216 इंटू 4 864 और इधर आइए 3x प्लस 4y इक्वल टू 654, सब्ट्रैक्ट करो x इक्वल टू 210, मतलब 210 क्या आ गया, टिकट का चार्ज। और यदि 210 टिकट का सही आ रहा है क्या, तो y इक्वल टू कितना आ गया, इधर लिख लो 6 आ गया, 210 और 6 रुपीज, इसका मतलब टिकट का चार्ज है 210 रुपए और रिजर्वेशन चार्ज कितना है 6 रुपए। अब सपोज ऑप्शन में आपको बोल दिया, समझना पहला ऑप्शन सपोज 210 रुपए, कैसे चेक करते हैं समझो, 210 रुपए आपका टिकट का चार्ज, तो बचा कितना रुपए, 6 रुपए आपका रिजर्वेशन चार्ज, ठीक। अब दूसरे वाले केस में क्या हुआ, एक तो पूरा टिकट है 210 रुपए और एक हाफ टिकट मतलब 105 रुपए। अच्छा ये तो 6 प्लस 6 लगी, क्यों, क्योंकि रिजर्वेशन चार्ज तो पूरा ही लगेगा, तो ये कितना हुआ भाई, 300 प्लस कितना आ रहा था कि नहीं आ रहा था, 300, इसलिए आंसर सही है। ऐसे ऑप्शन से चेक कर आ गया, ऑनलाइन तुम्हें कोई दिक्कत है बेटा किसी को, नो सर मैं यार अब डाट खाने के काम कर, नो प्लस ही 3x स्क्वायर बोल रहे हो, 3x स्क्वायर बाय 2 बोल रहे हो, क्या पता क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, ऐड करना नहीं आ रहा यार, और क्या बोलूं मैं तुमसे बेटा, दोबारा कनेक्ट कर लो।